गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। गुजरात के अमरेली में धार के 4 बच्चों की मौत, खेलते समय कार के अंदर हो गए थे लॉक, मजदूरी करने गुजरात गए थे परिजन। इंदौर में चाकूबाजी करने वाले 5 बदमाश पकड़े गए, धक्का लगने की बात पर हुआ विवाद, गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बैतूल में युवक ने 5 लोगों पर किया हमला, पारिवारिक विवाद में कार घर में चढ़ाई, दरवाजा हुआ क्षतिग्रस्त। खरगोन में अस्मिता हुई तार-तार, नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। कोर्ट हियरिंग के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो पर जबलपुर हाई कोर्ट, सख्त वीडियो अपलोड करने पर लगाई रोक, केंद्र राज्य सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब तलब। पहली जो खबर है वो गुजरात से है। गुजरात के अमरेली में धार के 4 बच्चों की मौत हुई है, एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हुई है, दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हुई है। खेलते समय कार के अंदर ये लॉक हो गए थे, मजदूरी करने अमरेली गए हुए थे परिजन। शनिवार रात की ये घटना बताई जा रही है। धार के खनी अंबा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अमरेली पुलिस मामले की जांच में कर रही है। देखिए, इसमें ये इन बच्चों की जान तो गुजरात में गई है, लेकिन ये सभी मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले हैं। धार के खनी अंबा गांव में अंतिम संस्कार किया गया है। अमित इस वक्त धार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये कैसे हुआ? जी, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार बता दूं राहुल जी, पूरा मामला जो है गुजरात के अमरेली का है, जहां पर ये धार जिले के जो बच्चे हैं ये अपने परिजनों के साथ अमरेली गए हुए थे। परिजन जो है मजदूरी को लेकर काम की तलाश में वहां गए हुए थे, और ये पूरा हादसा शनिवार की रात का बताया जा रहा है। शनिवार रात को जब बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक वो किसी कार में बैठे और वो कार का दरवाजा जो है अंदर से लॉक हो गया। इस दौरान अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण दम घुटने से इनकी मौत होना बताया जा रहा है। जब बच्चे रात भर नहीं मिले और सुबह बच्चों की तलाश की गई तो काफी ढूंढने पर जो है कार के अंदर 4 बच्चों के शव बरामद किए गए। इस घटना के तत्काल बाद जो है पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गुजरात। और जब ये पूरी खबर जो पैतृक गांव है जो धार जिले के अंदरूनी क्षेत्र खनी अंबा में टांडा थाना क्षेत्र के वहां पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर थी। और जब गुजरात के अमरेली में पोस्टमार्टम कर बच्चों के शव जो है वो धार जिले के खनी अंबा भेजे गए, जहां पर उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे हादसे के बाद परिजनों का और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दूं कि धार जिले के टांडा क्षेत्र के जो अंदरूनी गांव है वहां पर लगातार लोग इस तरह से जो है पलायन कर जो गुजरात जाते हैं मजदूरी की और रोजगार की तलाश में। जी राहुल जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर इंदौर से है। चाकूबाजी करने वाले 5 बदमाश पकड़े गए हैं, धक्का लगने की बात पर बदमाशों ने चाकूबाजी की, पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं, इनका जुलूस निकाला गया है। बाकायदा अपराध करना इन्होंने कहा है कि पाप है, पुलिस हमारी बाप है, ऐसा बोलते ये सुनाई दिए हैं। MG रोड थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की, जरा इनको सुनिएगा। इसके पहले तो ये आपराधिक कृत्य करते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो भी सुनिएगा। बैतूल में युवक ने 5 लोगों पर अटैक किया है, विवाद पारिवारिक था इस वजह से अटैक किया है। युवक ने कार घर में चढ़ा दी है, घर का दरवाजा और दीवार क्षतिग्रस्त हो गया है। ये 8 नेर एक थाना पड़ता है बैतूल में, वहीं के मांडवी गांव में ये हुआ है।
पारिवारिक विवाद के चलते अटैक किया गया है। 5 लोगों पर हमला किया गया है। युवक ने कार घर में चढ़ा दी है। घर का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। आठनेर थाना क्षेत्र के मांडवी गांव की घटना बताई जा रही है। इंदौर से अगली खबर है, एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर अरेस्ट हुए हैं। 40 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से 88 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया। आरोपी अमीर गौरी और आयान खां से पूछताछ जारी है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड मांगी गई। क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। तस्करों से 88 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है। आरोपी अमीर गौरी और आयान खान से पूछताछ जारी है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। खबर विदिशा से है, अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। बाईपास पर संचालित सेफ्रॉन रेस्टोरेंट पर एक्शन लिया गया है। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने एक्शन लिया है। ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। बाईपास पर संचालित रेस्टोरेंट यानी सेफ्रॉन रेस्टोरेंट पर एक्शन लिया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में अवैध इलीगल शराब जब्त की गई है। जबलपुर में मारुति वैन में आग लग गई है। गैस भरवाने के दौरान आग लगी है। कार में लगे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कार में लगे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। अब कार में अगर आप गैस सिलेंडर लगाएंगे तो वो खतरे से खाली तो है नहीं। ये आप इलीगल तौर पर कर रहे हैं, लीगली तौर पर तो कर नहीं रहे, तो वो खतरे से खाली नहीं है। सीएनजी टैंक एक अलग होता है, उसकी प्रक्रिया एक अलग होती है। अगर आप गैस सिलेंडर रख के उसमें रिफिलिंग कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी गलत है। और यही वजह है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल से खबर है, हाथियों की मौत पर केंद्र भी सख्त हो गया है। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। संदिग्ध परिस्थितियों में 10 हाथियों की मौत हुई थी। हाथियों की निगरानी के लिए गठित किए गए थे 6 विशेष दल। और ध्यान होगा कि सबसे पहले IBC 24 ने ही इस पर डिबेट की, एक्सपर्ट को बुलाया, वाइल्ड एक्सपर्ट को बुलाया। और उस समय ही ये चर्चा हुआ हमारे पैनल में कि चूंकि बताया जा रहा था कि कोदो खाने से मौत हुई हाथियों की, इसे खंडित किया गया। जो वाइल्ड एक्सपर्ट की टीम आई हमारे डिबेट में, उसे खंडित किया, उसे खंडन किया, कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब देखिए वही बातें एक एक करके खुल रही है। ये IBC 24 की खबर और डिबेट का ही असर है कि अब एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। और इस मामले में अब पीएमओ ने भी एक्शन ले लिया है। पीएमओ ने भी रिपोर्ट अब मंगवा ली है। हाथियों की निगरानी के लिए अब 6 विशेष दल लगाए गए हैं। 10 हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार ने अब इस पर रिपोर्ट मांग ली है। लैब की रिपोर्ट का इंतजार है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। आप ये जान लीजिए कि दिवाली के पहले ये हुआ है और दिवाली बीते हुए कितने दिन हो गए और अब तक पीएम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, इससे बड़ी हैरानी की बात होती है। साक्षी त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, अब तो इस पूरे मामले में पीएमओ ने भी रिपोर्ट मंगा ली है, क्या अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है? हाथियों की मौत कैसे हुई है?
जी बिल्कुल राहुल, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में जो 72 घंटे के अंदर 10 हाथियों की मौत की घटना हुई है, तो देश भर में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयासों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। पीएमओ ने मध्य प्रदेश सरकार से हाथियों की मौत को लेकर रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद से ही जो है वो खलबली से मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाथियों की मौत का जो प्रथम दृष्टि कोदो की फसल खाने से मौत की वजह बताई जा रही है, उसको लेकर अभी कोई ऐसे जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। प्रदेश सरकार ने पीएमओ को रिपोर्ट भेजने के लिए फिलहाल किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच सकी है और हाथियों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इस पर अभी जो विशेषज्ञ है वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं और लैब रिपोर्ट जो लैब में टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट का है वो इंतजार जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। और पीएमओ के दखल की बात अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है और भी ज्यादा एक्शन मोड पर नजर आती दिख रही है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देखिए ये तो बहाना था, जो वन विभाग की टीम थी वो ये बहाना बता रही थी कि कोदो खाने से मौत हुई है और इसमें वो ग्रामीणों का हवाला दे रही थी, लेकिन सबसे पहले आज से तकरीबन 7 दिन पहले ही IBC 24 पर जब डिबेट की गई और उस डिबेट में हमारे वाइल्ड एक्सपर्ट के कई लोग बैठे, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोदो खा लेने से उनकी मौत हो जाए। देखिए धीरे धीरे वो चीज़ें ही सामने आ रही हैं, वो चीज़ें ही खुल रही हैं जो आज से 7 दिन पहले IBC 24 ने अपने दर्शकों को बता दिया और आपके सामने हकीकत रखी थी, अब वो चीज़ें धीरे धीरे कर सामने आ रही है। इसमें वन विभाग की भी बहुत लापरवाही है और यही वजह है कि CM डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे एक्शन लिया है और उनको हटा भी दिया है और अब PM रिपोर्ट के बाद इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई और भी की जानी है। इंदौर से अगली खबर है, छत्रीपुरा पहुंचे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं विजयवर्गीय के पहुंचने पर जय श्री राम के नारे लगे हैं। पीड़ित परिवारों से कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की है। छत्रीपुरा में दिवाली के दिन विवाद हुआ है और अभी विजयवर्गीय के पहुंचने पर जय श्री राम के नारे लगे हैं। जब वो वहां पर पहुंचे तो जय श्री राम के नारे लगाए। विजयवर्गीय के पहुंचने पर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। पीड़ित परिवारों से कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की है। छत्रीपुरा में दिवाली के दिन विवाद हुआ था और अब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मिलने के लिए पहुंचे हैं। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। छत्रीपुरा विवाद में एक्शन हुआ है, पुलिस ने 4 आरोपियों को छत्रीपुरा से ही गिरफ्तार किया है। 13 साल की बच्ची और उसकी मां से अभद्रता की गई थी। 8 आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। क्षेत्र में माहौल खराब करने पर आरोपियों पर आरोप है छत्रीपुरा विवाद में एक्शन लिया गया है। अंशुल, इस पूरे मामले की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जो बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि छत्रीपुरा इलाके में घर से बाहर पटाखे जलाने के बाद विवाद हुआ था और दिवाली के दूसरे दिन में पूरी घटना हुई थी। विवाद में 13 साल की बच्ची और उसकी मां से अभद्रता करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और अब 4 आरोपियों को और इसमें गिरफ्तार किया गया जो कि छत्रीपुरा इलाके में ही रह रहे थे और आरोपी अनीस, अमन, राजा और नानू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर यह आरोप है कि विवाद के बाद फसाव करने और क्षेत्र में माहौल खराब करने का इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था और बच्ची को पटाखे फोड़ने से रोकने के बाद इन्होंने मां के साथ ही अभद्रता जो है ये की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब पुलिस जो है पूरे मामले में जांच कर रही है और पथराव करने वालों के वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए आपका।
खबर इंदौर से है। फुटपाथ से हटेगा अतिक्रमण, फिर शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की मुहिम। दीपावली के चलते जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, मुहिम फिर से शुरू करने के कलेक्टर ने निर्देश दे दिए हैं। यातायात में सुधार को लेकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। फिर शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की मुहिम। चूंकि दीपावली के पावन पर्व को देखते हुए इस मुहिम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब दीपावली का पर्व खत्म हो गया है तो कलेक्टर ने फिर से निर्देश दिया है कि इसे आप शुरू कीजिए, क्योंकि हमें यातायात बेहतर करना है, दुरुस्त करना है, इसलिए आप फिर से अलर्ट हो जाइए। खबर इंदौर से है। कनाडा में भारतीयों पर हो रहे हमले का विरोध शुरू हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सड़क पर पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस ने सड़क पर पोस्टर लगाए हैं। कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग की जा रही है। शहर के प्रमुख रीगल चौराहे पर लगाए गए हैं जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के पोस्टर। ये लोगों की भावनाएं हैं जो अब निकल कर सामने आ रही है, चूंकि जिस तरीके से भारतीय समुदाय पर हमला हुआ है दीपावली पूजन के दौरान, तो जाहिर सी बात है लोगों की भावनाएं इस तरह के सामने आती हैं। और वही ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल, इंदौर में ये विरोध हो रहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं और इनकी क्या मांग है, जरा ये भी आप बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि अभी हम रीगल चौराहे पर खड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के जो पोस्टर्स हैं वो सड़क पर लगाए गए हैं। कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित करने की मांग जो है इन पोस्टर्स में की गई है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के फोटो के साथ इन पोस्टर्स को जो है रोड पर चस्पा किया है। उनका साफ ये कहना है कि जिस तरह से भारतीयों पर वहाँ पर हमले हुए थे वो कहीं ना कहीं नाजायज हैं और उस पर रोक लगनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री का विरोध जो है वह जताया है। रोड पर यह पोस्टर लगाने के पीछे का उनका उद्देश्य जो है सीधे हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं। आप लोगों ने पोस्टर लगाए रोड पर, क्या आप लोगों की मांग है और क्या विरोध आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मांग करती है कि जल्द से जल्द कनाडा को आतंकवादी समर्थक देश घोषित किया जाए। जिस तरह से वहाँ निरंतर हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, अब तो ये हालत हो गई है कि मंदिरों के अंदर घुसकर हमारी माता और बहनों को मारा जा रहा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कनाडा सरकार नहीं कर पा रही। जस्टिन ट्रूडो दोहरी नीति खेल रहे हैं, एक तरफ तो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं और दूसरी तरफ भारतीयों के पर हुए हमले की निंदा करते हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनावी रैलियों को छोड़कर कि जो चुनावी रैलियों में भाषण देते हैं वो भाषणों को छोड़कर देश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। कनाडा में जिस तरह से भारतीयों पर हमले हो रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी मांग को हमने लेकर आज यहाँ इंदौर की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाए हैं। सड़क पर पोस्टर लगाने का क्या उद्देश्य, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि भारत किसी भी स्तर पर आम नागरिक से लेकर देश की केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार और हर व्यक्ति हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारी हिंदू महिलाओं, माताओं, बहनों पर जो हमले हुए उसका कड़ा विरोध करता है। आज हमने सड़कों पर इनको इसलिए लगाया है कि लोगों के पैरों के जूते जस्टिन ट्रूडो के चेहरे पर पड़े और उसको इस बात का एहसास हो आपके माध्यम से कि भारत में अगर अब हमला होता है किसी भी भारतवासी पे तो हिंदुस्तान की जनता चुप नहीं बैठेगी। देखिए राहुल, कहीं ना कहीं इनका जो विरोध है वो यही है कि जिस तरह से भारतीयों पर वहाँ पर हमले हुए हैं, इनकी ये भावना है कि उन हमलों को रोका जाना चाहिए। उसकी निंदा जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन जब उन्हें सुरक्षा मांगी जाती, जब वो दीपावली का त्यौहार करने के लिए सुरक्षा मांगते तो उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती, और इसी को लेकर के वे यहाँ पर विरोध भी जता रहे हैं। और इसीलिए पोस्टर्स जो हैं वो रीगल चौराहे पर लगाए गए हैं, और रीगल चौराहा वही है जहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक पीछे जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि जस्टिन ट्रूडो जो है उनको एक संदेश दिया जा सके, और इसीलिए कांग्रेस के जो है ये सभी विरोध कर रहे हैं। और विरोध इस बात को लेकर है जिस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों पर दीपावली के दिन हमला किया गया, खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया, और अब यहां पर मांग की जा रही है कि कनाडा को बैन किया जाए, और यही इनका विरोध है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अंशुल मुकाती आपका। और ये एक तरफ देखिए, ये कनाडा में भारतीयों ने प्रदर्शन किया है दीपावली के दिन जिस तरह से पूजा के दौरान उन पर अटैक किया गया, और दूसरी तरफ इंदौर में ये कहा जा रहा है कि कनाडा को आतंकवाद देश घोषित किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की बार बार घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि इन्हें आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।